वहीं शाहीन बाग फायरिंग पर पुलिस के दावे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई। फायरिंग के आरोपी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आने का दावा किया। अब ये साफ हो गया कि ये बंदूक चलाने वाला आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन हमलों को घटिया राजनीति बताया और कुछ दूसरे मामलों के आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें दिखाकर उसको घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए। ये भाजपाइयों की गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। कौन आदमी किस पार्टी में ज्वाइन किया था ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्या? पुलिस का ये काम है कि कौन सा आदमी किस पार्टी का है, उसके हिसाब से वो अपराध तय करेंगे।